कंक्रीट की तराई कैसे हो कि मजबूती फौलाद सी हो। कंक्रीट, नींव, कॉलम, बीम या छत पर जब ढले, अगले 7 दिन का ख्याल खूब रखें। हर एक दिन मजबूती 1 दशक और बढ़ाएगा। ये पानी की लीकेज और सीपेज की परेशानी से बचाएगा। मजबूत घर के मजबूत आधार, अंबुजा सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी के साथ। उत्तम सीमेंट से कंक्रीट सही तरीके से बना, कंक्रीट सही से ढला, पर अगर ढलाई के बाद तराई यानी पानी सही से नहीं डाला तो मतलब पूरी मेहनत पर पानी फिरा। क्योंकि सच तो यह है कि ढलाई के बाद कंक्रीट के अंदर अत्यावश्यक केमिकल प्रक्रिया चलती रहती है। कंक्रीट मिक्स में पड़ा पानी ही सीमेंट के साथ सिलिकेट जेल बनके कंक्रीट को फौलादी मजबूती देगा। कंक्रीट के अंदर की नमी को बनाए रखने के लिए बीम्स या पिलर्स को जूट क्लॉथ या कंतान से लपेटना जरूरी है और उसे हमेशा पानी से गीला रखना अनिवार्य है। नींव में भी यही तरीका इस्तेमाल होता है, पर छत जो धूप और गर्मी का सामना करती है, इस पर बांध बनाकर छत की तराई करना जरूरी है। ये पानी कंक्रीट पर ढक्कन का काम करता है ताकि कंक्रीट के अंदर की नमी ना उड़े और समय से पहले सूख कर कॉन्क्रीट में क्रैक्स ना पड़े। पर अफसोस, अक्सर ऐसा नहीं होता, पानी सही से नहीं ढलता। कहीं धूप ज्यादा, कहीं पानी कम, और कहीं 3-4 दिन बाद ही भूल गए हम। सबसे सरल, आसान और सही तरीका है कि स्लैब ढालने के बाद उसे खास मॉड्यूलर क्यूरिंग शीट से ढक देना और 7 दिन बाद निकाल देना। बिना पानी के झंझट के भी अंदर की नमी पूरी तरह बनी रहेगी और कंक्रीट बनेगा लीक प्रूफ, ठोस और मजबूत। तो सही तरीका है जूट क्लॉथ से नींव, पिलर्स और बीम पे पानी की तराई, छत पे बांध या मॉड्यूलर क्यूरिंग शीट का कवर और पूरे 7 दिन तक नमी बनाए रखना, क्योंकि हर दिन बनाएगा कंक्रीट 1 और 1 दशक के लिए मजबूत। ये है अंबुजा सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी। इसके सहयोग से अपने घर की मजबूती को दें मजबूत आधार, क्योंकि ये सजावट की नहीं, आपके घर की बनावट की बात है और घर बार बार नहीं बनता है। मजबूत घर बनाने की सही सलाह के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।